हेलो स्टूडेंट्स, सो आज अपन EVS का चैप्टर नंबर 1 पार्ट्स ऑफ अ बॉडी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन समझते हैं कि ये जो चैप्टर का नाम है दैट इज़ पार्ट्स ऑफ अ बॉडी, इसका मीनिंग क्या है। आप डेली अपने आप को मिरर में देखते हो, क्या देखते हो आप मिरर में, खुद में नोज, आईज, हैंड्स, लेग्स, टंग, लिप्स, देखते हो ना ये सब, तो वो सब क्या है, आपके बॉडी के पार्ट्स। इनको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गन। तो अब से आप क्या बोलोगे, माय नोज इज़ माय ऑर्गन, माय आईज आर माय ऑर्गन। तो ये जो भी आप देखते हो ये सब आपके ऑर्गन्स होते हैं। तो ऑर्गन की डेफिनेशन क्या हो गई, अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड एन ऑर्गन। ओके, सो ये जो ट्राई इट आउट है ये आप एक बार ट्राई करना, ठीक है। तो इसमें क्या है, वी सी विथ आर, आप कहीं से देखते हो, अपनी आईज से, वैसे ही आप करना। यू वी स्मेल विथ आर, आप कहीं से स्मेल करते हो किसी चीज़ को, आपकी मम्मा कुछ बना रही होती है तो आप कैसे स्मेल करते हो, बताना कौन सा ऑर्गन है वो। वी हियर विथ आर, आपको कोई बुलाता है तो आप किस चीज़ से सुनते हो, कौन से ऑर्गन से सुनते हो, उसका नाम लिखना। तो आपका होमवर्क क्या है, ये वाला ट्राई इट आउट का बॉक्स आपको फिल अप करना है। ओके, सो ये देखो, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ आ मिरर एंड लुक एट योर बॉडी। आर बॉडी इज अमेजिंग, इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स दैट आर वर्किंग ऑल द टाइम टू कीप अस अलाइव। सपोज़ अगर अपनी आँखों ने काम करना बंद कर दिया, जो अपनी आईज है उन्होंने वर्क करना बंद कर दिया, तो आपको दिखेगा कुछ नहीं। तो इसलिए सारे ऑर्गन्स काम करते हैं ताकि आप अलाइव रह सको, सो दैट यू कैन बी अलाइव। तो ऑर्गन्स को भी ना दो पार्ट में डिवाइड कर सकते, एक वो जो आप देख नहीं सकते, एक वो जो आप देख सकते हो। जिनको आप देख सकते हो जैसे आपके हाथ, मतलब हैंड्स, लेग्स, इनको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन। आईज को भी एक्सटर्नल ऑर्गन बोलोगे, चलो। और जिनको आप देख नहीं सकते जैसे स्टमक, जो स्टमक होता है उसको आप देख थोड़े ही ना सकते हो, तो उसको क्या बोलोगे, इंटरनल ऑर्गन। चलो अब बताना कि आप क्या क्या देख सकते हो और क्या क्या नहीं देख सकते, मतलब कौन सा ऑर्गन एक्सटर्नल है और कौन सा ऑर्गन इंटरनल है। तो नोज कौन सा ऑर्गन होगा, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, आंसर एक्सटर्नल। तो ऐसे ही आप क्लासिफाई कर सकते हो ऑर्गन्स को टू टाइप्स में, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो आज अपन बात करेंगे एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में। द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट वी कैन सी एंड टच विद आवर हैंड्स आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन। यही मैंने आपको बताया, जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, उनको एक्सटर्नल ऑर्गन बोलते हैं। अदर एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर हेड, आपका सिर, गला, आईज, ईयर्स, नोज, और भी बहुत सारे होते हैं। ओके, तो जिन चीज़ से आप कुछ सेंस कर सकते हो, मतलब आपको क्या क्या होता है, देखना होता है, खाना होता है, स्मेल करना होता है, सुन कुछ चीज़ सुननी होती है और कुछ चीज़ टच करनी होती है, तो ये काम आप जिन भी ऑर्गन से करते हो उनको आप बोलते हो सेंस ऑर्गन। क्या बोलते हो, सेंस ऑर्गन्स। अब सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, दैट इज़ दैट आर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। दीज ऑल आर सेंस ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी। What is the definition of sense organs? They give us the ability, the organs which give us the ability to see, hear, smell, taste and feel. Okay, तो अपने external organ का first part देखते हैं, that is head. The head is the part of the body above the neck. It has the sense organs, eyes, ears, nose and tongue. It also has the most important part of your brain, that is brain. Sorry, of your body, that is brain. तो head, आपके सर में क्या क्या है, आपकी nose है,
टच करते जाओ, आईज है, आपकी टंग है, ईयर्स है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसकी वजह से आपकी बॉडी फंक्शन करती है, दैट इज़ ब्रेन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी, इट इज़ द ब्रेन. ब्रेन कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. अगर ब्रेन नहीं होगा तो आप काम करना बंद कर दोगे. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट दैट इज नेक, गला. आर नेक जॉइंस द हेड टू रेस्ट ऑफ द बॉडी. अपना सिर काय से जुड़ा है, नेक से, गले से. गला कट जाएगा तो सिर अलग हो जाएगा ना, इसलिए नेक एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी. सो इट हेल्प्स आर हेड टू मूव इन अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन. आपका हेड ऊपर हो सकता है, नीचे, राइट, लेफ्ट हो सकता है ना, तो ये किसकी वजह से? नेक की वजह से, और यही इसका फंक्शन है. सो आज का अपना ये चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर नहीं मतलब आज का लेक्चर ख़त्म होता है. सो कल अपन पढ़ेंगे इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में, एंड आपको इंटरनल ऑर्गन्स रीड करना है. जस्ट रीड द चैप्टर एंड ट्राई टू फिल योर एक्सरसाइज. ओके, थैंक यू.